नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के पानीपत में एक बार फिर विदेशी कॉल आने से दहशत फैल गई है। ऑस्ट्रेलिया के नंबर से पानीपत के एक प्रॉपर्टी डीलर को मोबाइल फोन आया। कॉल करने वाले ने प्रॉपर्टी डीलर सतीश के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। सतीश के मुताबिक आरोपी विदेशी नंबर से हरियाणवी में बात कर रहा था। धमकी भरा कॉल आने के बाद पूरे परिवार में दहशत का माहौल है। प्रॉपर्टी डीलर ने जान से मारने की धमकी देने वाले के खिलाफ मॉडल टाउन पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पानीपत के मॉडल टाउन की मुखीजा कॉलोनी में रहने वाले सतीश ने बताया कि वह प्रॉपर्टी डीलर है। उनके 18 और 15 साल के दो बेटे हैं। सतीश ने बताया कि बुधवार शाम को ऑस्ट्रेलिया के नंबर से उनके मोबाइल पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने उनका नाम पूछने के बाद उनके दोनों बेटे को 6 महीने के अंदर जान से मारने की धमकी दी है। उन्होंने कॉल करने वाले से कारण पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। सतीश ने कॉल करने वाले से रुपयों की डिमांड और कुछ अन्य दुश्मनी के बारे में भी पूछा, लेकिन वह केवल बेटों को मारने की धमकी देता रहता है। सतीश का कहना है कि आरोपी हरियाणवी भाषा में ही बात करता है। अब सतीश ने आरोपी के फ़ोन नंबर और कॉल रिकॉर्डिंग के साथ मॉडल टाउन थाने में केस दर्ज कराया है। सतीश ने बताया कि आरोपी ने दोनों बेटे को 6 महीने तक प्यार करने और फिर दोनों को जान से मारने की धमकी दी है। उसका नाम पूछने पर आरोपी बोला कि उसे रिश्तेदारी नहीं करनी और कुछ डिमांड है। प्रॉपर्टी डीलर का कहना है कि उनका छोटा बेटा सावन घुड़सवार है, वह नेशनल स्तर पर ब्रांज मेडल जीत चुका है। खेलों में आगे बढ़ने के लिए वह उससे अमेरिकन भेजने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ है। वहीं DSP सतीश वत्स ने जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें शिकायत मिली जिसकी गहनता से जांच करी जा रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।